करनी सेना के अनशन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है, जिस पर पिपलानी पुलिस ने करनी सेना के एक युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भोपाल में करनी सेना का अनशन और धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। भोपाल में आंदोलन के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो की जानकारी मिलते ही पिपलानी पुलिस ने जांच शुरू की और उसके आधार पर करनी सेना परिवार के एक युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह युवक हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है। एडिशनल डीसीपी राजेश सिंह भदौरिया के मुताबिक आरोपी युवक रविवार को करनी सेना के जम्बूरी मैदान पर प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचा था। वायरल वीडियो हुआ करनी सेना का, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है, क्या पूरा मामला है सर? थाना पिपलानी अंतर्गत एक एफआईआर सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज की उपेंद्र सिंह राणा भिवानी हरियाणा का व्यक्ति चिन्हित हुआ है और उसके साथ अन्य लोग हैं जो भी उनके द्वारा पब्लिक प्लेस पे गाली गलौज की, जिस पर थाना पिपलानी में एफआईआर की गई है। ये 8 जनवरी को जम्बूरी मैदान पर जब आए थे उस दौरान इनके द्वारा वक्तव्य देने के दौरान ही एक असंयमित असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की है। सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज को लेकर एफआईआर की गई। सर, इनमें अभी तक किसी गिरफ्तारी हो पाई? अभी तो चूंकि जैसे मैंने 8 जनवरी की घटना है, जैसे वीडियो संज्ञान में है, पुलिस ने एफआईआर की है। भिवानी हरियाणा का रहने वाला वो व्यक्ति उसी दिन उसी घंटे निकल गया था, आगे चिन्हित कर लिया है, आगे साक्ष्य रूप कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।